कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से करीब 22 किलोमीटर दूर स्थित दाचीगाम नेशनल पार्क में इन दिनों एक जीव काफी दिखाई दे रहा है। बर्फबारी की वजह से इन जीवों को खाने की काफी किल्लत हो गई है, इसलिए जीव ऊंचे पहाड़ों से लौटकर दाचीगाम नेशनल पार्क में आ गए हैं। दाचीगाम नेशनल पार्क में इन दिनों देसी हिमालयन हिरण हंगुल बहुत दिखाई दे रहे हैं। ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद खाने की दिक्कत होने की वजह से हंगुल नीचे उतरकर नेशनल पार्क में आ गए। पार्क में लगे कैमरे में ये जीव रात के समय नजर आ गए। अब जम्मू कश्मीर का वन विभाग इनके खाने पीने की व्यवस्था कर रहा है। ज्यादा बर्फबारी होने पर पहाड़ों की ऊंचाइयों में रहने वाले जीव श्रीनगर की ओर चले आते हैं। हाल ही में 3 तेंदुए और 2 काले भालुओं को भी श्रीनगर के रिहायशी इलाकों में देखा गया था। हिमालयन हिरन यानी हंगुल को बचाने के लिए वन विभाग पूरी कोशिश कर रहा है। इन्हें खाने की जरूरी चीजें दी जा रही हैं ताकि इन्हें बचाया जा सके। दाचीगाम नेशनल पार्क के वाइल्ड लाइफ वार्डन अल्ताफ अहमद ने बताया कि बर्फबारी के बाद ये जीव नीचे उतरकर इसी नेशनल पार्क में आते हैं। हंगुल के अलावा लंगूर, काले भालू, तेंदुए और भी कई तरह के पक्षी भी पहाड़ों से नीचे उतरकर इस नेशनल पार्क को अपना आशियाना बनाते हैं। कई बार इनमें से कई जीव इंसानी इलाकों में चले जाते हैं, फिर इंसानों के साथ इनका संघर्ष होता है। दाचीगाम नेशनल पार्क में हंगुलिया कश्मीर स्टैग रहता है। ये पूरी दुनिया में रेड डियर की सबसे दुर्लभ प्रजाति है। पार्क में स्नो लेपर्ड, हिल फॉक्स, काले और भूरे भालू, हिमालयन ताहर, तेंदुआ, पीला थ्रोटेड मार्टिन, तेंदुआ बिल्ली, सीरो, गोरल, मस्टियर, हिमालयन मरमोट, जंगली सुअर जैसे कई प्रजातियां भी निवास करती हैं। यहां पक्षियों की 150 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। न्यूज डेस्क, नमामि भारत।